उत्तर प्रदेश में विधान परिषद खंड स्नातक की 3 और शिक्षक कोटे की 2 सीटों पर सोमवार को चुनाव के लिए वोटिंग कराई गई, तो इस दौरान बीजेपी और सपा के लोगों ने खूब जोर आजमाइश की। इन सभी सीटों पर सोमवार को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग कराई गई। वोटिंग के दौरान बैलेट पेपर से वोट डाले गए, लेकिन बीजेपी और सपा अपने अपने प्रत्याशियों के लिए खूब लॉबिंग करते नजर आए। सपा की ओर से इन सीटों को जिताने के लिए खूब जोर लगाया गया, वहीं बीजेपी के नेता अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए आशान्वित नजर आए। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि हर निर्वाचन क्षेत्र में एक एक प्रेक्षक को तैनात किया गया है। आपने मतदान किया? यस। क्या मुद्दे थे आपके? मुद्दा कोई विशेष नहीं था, वित्त विहीन शिक्षकों की हितों की जो रक्षा करे, जो उसके बारे में सोचे, यही मुद्दा था। बस यही है कि शिक्षा में सुधार हो और बाकी जो है बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए, हमारा यही मुद्दा था। चुनाव आयोग के मुताबिक खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की द्विवार्षिक चुनाव में इस बार 63 प्रत्याशी मैदान में हैं। 39 जिलों में मतदान की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। मतगणना 2 फरवरी को होगी। इन सीटों पर 44 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलाहाबाद, झांसी खंड शिक्षक और कानपुर खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के लिए कुल 238 केंद्र बनाए गए थे। इन सभी पर वोटिंग कराई गई। इन इलाकों में 53,000 से अधिक वोटर्स ने 19 प्रत्याशियों के लिए मतदान किया। इसी तरह खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 63 प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। विधान परिषद की जिन 3 खंड स्नातक सीटों पर निर्वाचन हुआ है, उसमें गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र, कानपुर खंड स्नातक क्षेत्र और बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। इन सभी सीटों पर वोटिंग के बाद अब 2 फरवरी को मतगणना होगी। सोमवार को इन सीटों पर वोटिंग के दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम रहे। हालांकि मुरादाबाद और कानपुर में सपा नेता चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से थोड़े नाराज जरूर नजर आए, लेकिन सभी इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और अब 2 फरवरी को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। मुद्दा तो बहुत सारा है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। पेंशन वाला मामला उठा के देख लीजिए, जो पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात है, बाकी मदरसा एजुकेशन पे है, शिक्षा बोर्ड पे है, बहुत सारी सरकारों में स्कूलों में जो है सरकारी सुविधाएं नहीं दी जा रही उन पर है, बहुत सारी मेडिकल्स जो है स्कूलों में नहीं दिए जा रहे हैं उसको है, तो कई सारी मुद्दे हैं इस पर लोगों ने वोट किया।